दोपहर उतरा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अभी जो है ना मैं निकल चुका हूँ क्लास के लिए, और पता है आज जो है ना काफ़ी लेट हो गया हूँ क्लास के लिए। क्लास से जो है ना 10 मिनट पहले मात्र सोकर उठा हूँ, और 10 मिनट में जो है ना तैयार वगैरह होकर क्लास के लिए निकला हूँ। तो पहले भाग भाग के जो है ना क्लास जाते हैं, और फिर क्लास पहुँच कर जो है ना आगे का ब्लॉग बनाएंगे। ये देखिए आज जो है ना काफ़ी भीड़ है हॉस्पिटल में, बहुत सारे लोग जो है ना अभी नंबर में लगे हुए हैं, और अभी जो है ना बहुत सारे लोग बाहर भी बैठे हैं। ये तो अंदर बैठे हैं, बहुत सारे लोग जो है ना बाहर भी जो है ना नंबर में लगे हैं। आज का जो है ना क्लास कंप्लीट हो गया, और आज पता है मैं तो 10 मिनट लेट पहुंचा, तो ऑलरेडी जो है ना अटेंडेंस वगैरह हो गया था। तो फिर जो है ना मैं बाद में अटेंडेंस लगवाया, और उसके बाद जो है ना क्लास जब स्टार्ट हुआ था कंटिन्यू चला है विदाउट ब्रेक, बिना जो है ना प्रिया रीफ का जो है ना क्लास चला है। ब्रेक को जो है ना रशियन प्रिया रीफ बोलते हैं। और आज जो है ना काफ़ी पेशेंट वगैरह आए थे, एक गए एक आए एक गया एक आया, एकदम लाइन लगा था। और जब हम लोग का क्लास ओवर हुआ उस टाइम भी जो है ना काफ़ी भीड़ था। अभी जो है ना फिर दूसरा ग्रुप आएगा, अभी 5A मैं 5A में हूँ। अब जो है ना फिर 5B आएगा, अब दूसरा ग्रुप आएगा हम लोग के जाने के बाद। अभी जो है ना एक घंटे का ब्रेक है, एक घंटे का टीचर के लिए ब्रेक है, हमारे लिए तो छुट्टी हो गया। यूनिवर्सिटी का टाइम में जो है ना ये पूरा यूनिवर्सिटी वाला रोड जो है ना पूरा जाम रहता है। ये देखो पूरा ट्रैफिक भरा हुआ है, पार्किंग भी जो है ना रोड के बगल में ही करते हैं, इसलिए ट्रैफिक आ गया। और मेस में है आज राजमा की सब्जी, रायता, चावल एंड रोटी। तो भूख लगा बहुत जोर से, पहले खाना खाते हैं, मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर बाद। इतना गर्मी है ना कि हालत ख़राब हो चुका है गर्मी से। अभी दो दो रूम में जो है ना फ़ैन चला रहे हैं। एक तो मैं अपना ये पर्सनल फ़ैन रखा हूँ, फिर एक अब्दुस उधर चला रहा है। तो क्या बताएं, गर्मी से जो है ना हालत ख़राब है। तो जस्ट अभी मैं सोकर उठाऊँ, और आज जो है ना हमको सर्जिकल ड्रेस भी रेडी रखना है, क्योंकि कल जो है ना 10:30 बजे सुबह में जाना है ऑपरेशन के लिए। टीचर आज ही बता दिया है कि सर्जिकल ड्रेस, सेकेंड पेयर ऑफ सूज, फिर बखिली में सू कवर कैप, सब जो है सामान अपना लेकर आना। तो अभी चलते हैं, देखते हैं सर्जिकल सर्जिकल ड्रेस कहाँ है, फिर उसको साफ वगैरह करते हैं, प्रेस करना पड़ेगा, फिर उसको जो है ना बैग में रखते हैं। अभी आज जो है ना इंडिया से 3 स्टूडेंट आए हैं, जो कि एक सेकेंड ईयर के हैं और एक थर्ड ईयर के हैं। वो लोग जो है ना इंडिया में ही थे, तो आज आए हैं। तो फिर वो लोग शाम को आए बस से, मॉस्को से रोस्टोव तक बस से आए। फिर उनको जो है ना हॉस्टल में अलाउ नहीं मिला, क्योंकि RT-PCR नहीं था। फिर स्प्राप का बनवाना पड़ता है, फ्लोरोग्राम करवाना पड़ता है, तब जाके जो है ना हॉस्टल में स्टूडेंट इंट्री ले सकता है। तो आज तो शाम हो गया था, कुछ हुआ नहीं। फिर उनको फ्लैट दिलाया, फ्लैट में वो सेटल हुए। अमित, निखिल और रिजवान, ये 3 जो है ना आज आए हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। तो आज इसी समय में रह गया, फिर जो है ना ब्लॉग भी नहीं बना पाया, और मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था। फ़ोन का जो है ना एक अलग ही मेन लोचा हो चुका है कि 100% करके ले गया था, लेकिन हमको पता था कि फ़ोन जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। वहाँ से जब बस आया फ्लैट से, तो मात्र 3% फ़ोन चार्ज था, उसमें टैक्सी करना सब कुछ करना, तो इसलिए जो है ना ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाया। एक बात और मैं आप लोग को बता दूँ, रशिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी है सब में एडमिशन ओपन है। तो अगर आप नीट क्वालिफाई हो, और आप जो है ना ऑलरेडी सोच चुके हो कि आपके MBBS अब्रॉड से ही करना है, तो आप एडमिशन ले लो, क्योंकि इस बार जो है ना काफ़ी बच्चे जो है ना रशिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको पता है यूक्रेन में जो है ना इस बार तो कोई स्टूडेंट जाएगा नहीं, तो सब जो भी मोस्टली स्टूडेंट है वो रशिया ही आएंगे। तो बहुत जल्दी जो है ना मेडिकल यूनिवर्सिटी इस बार सीट फुल हो जाने वाला है। अगर आप चाहो मेरे थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। इंडिया में भी हमारा बहुत सारा ऑफिस है, बहुत सारा ब्रांच है, दिल्ली में है, बिहार में है, उसके बाद नागपुर में है, पुणे में है, आसाम में है, और रशिया में तो मैं खुद रह रहा हूँ पिछले 4 साल से, और मैं हर एक साल जो है ना काफ़ी स्टूडेंट का एडमिशन कराता हूँ। तो आप इसके लिए जो है ना बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहें कि आपका जो है ना कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आने वाला। लास्ट ईयर भी कराया था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था उस टाइम में भी कराया था। तो अगर आप चाहो तो आप मेरे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो, तो मेरा जो है ना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क कर सकते हो।